नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपने तो कई वीडियो में आपने देखा कि भाई ऑनलाइन बिजनेस कैसे करें, ई कॉमर्स का बिजनेस कैसे करें, लेकिन इसके साथ साथ यार एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपको ये चीज़ें अगर कर लेंगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आगे बहुत सहायता मिलेगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखना, आपको पूरी चीज़ क्लियर करूँगा, आप स्किप मत करना, वीडियो को देखना। मैं बताता हूँ भाई आपको यहाँ पे क्या करना है। तो आज हम समझेंगे इन्वेस्टमेंट की पावर और इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, इस पे डिस्कशन होगा। तो आप समझना थोड़ा सा, देखिए इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं यार, आज की डेट में इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास 2 लाख रुपये पड़े हैं, आप उसको घर पर रखे हो, आप उसको इन कैश कैश आप घर पर रखे हो 2 लाख रुपये, तो 5 साल बाद वो 2 लाख रुपये 2 लाख रुपये ही होंगे। और ये आप जानते होंगे, कॉमन सी बात है। सोच रहे होंगे भाई चलो बैंक में रख देंगे, बैंक अकाउंट में रख देंगे, तो बैंक में थोड़ा बहुत ब्याज मिलेगा, तो वो बढ़ जाएगा। एक साल में अगर 2 लाख रुपए हैं तो 10,000 समथिंग ब्याज मिल जाएगी उसकी 2 साल में। लेकिन यार इसी 2 लाख को अगर हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता, या फिर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता, या कहीं पर हमने ज़मीन खरीद ली होती, तो वो पैसा 2 लाख से 10 लाख हो सकता था, ये गारंटेड है। अब मैं आज आपको बता दूं एक चीज़ कि कहाँ कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट सीधी सी बात है कि हमारे पास कुछ पैसा पड़ा है एक्स्ट्रा, जिसको हम अभी खर्च नहीं करना चाहते, तो उसको हम कहीं पे इन्वेस्ट कर दें, कहीं पे हम लगा दें कि भाई वहाँ पे काम में लग गया और वो पैसा अपने आप बढ़ने लगा। या फिर हम एक सिंपल तरीके से कहें कि हम किसी पैसे को ब्याज में दे दें किसी को, और उस पैसे की ब्याज बन रही है और हम उससे अर्निंग करेंगे, उसकी ब्याज हमको मिलेगी, ये हो सकता है। इन्वेस्टमेंट यही कहलाती है। हम कहीं पे एसेट खरीद लें, ऐसे एसेट खरीदें जिसकी वैल्यू बढ़ने वाली है आगे जाके, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट हो गया। अब इन्वेस्टमेंट के अलग अलग टाइप होते हैं भाई, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे वेयर टू इन्वेस्ट, आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। इन्वेस्टमेंट आपको करने की ज़रूरत जो है, तो आपको यहाँ पे पहला पॉइंट है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड की जो वीडियो आप देखना, आई बटन पे चले जाओ या हमारे चैनल पे सर्च कर लो, म्यूचुअल फंड की वीडियो मिल जाएंगी। म्यूचुअल फंड क्या होता है आपको पता है, म्यूचुअल फंड एक ऐसा स्टॉक मार्केट होता है, एक ऐसा फंड सिस्टम होता है जिसमें जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, वो थोड़ा थोड़ा पैसा सबसे लेके और बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठ के शेयर मार्केट में पैसा लगाती हैं। और क्या होता है ना कि जो वो एक्सपर्ट होते हैं, तो अगर एक जगह से लॉस खाते हैं तो उस लॉस को दूसरी कंपनी से रिकवर कर लेते हैं। तो दिन भर ऐसे स्टॉक मार्केट में खेलते हैं बैठ के दिन भर में, तो अच्छा खासा रिटर्न कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, और म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा बढ़ते जाता है, दोगुना हो जाता है, सीधी सी बात, अगर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें तो। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसे कई एप्लीकेशन हैं जो म्यूचुअल फंड खरीदने में हेल्प करते हैं, जैसे ग्रो ऐप हो गया और कई हैं ऐसे ऐप, तो उनको आप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर लो, है ना। मंथली एक SIP कर लो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप एक्सिस बैंक ब्लू चिप फंड के ले सकते हैं, या SBI के कुछ SBI के म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं। 500 रुपये महीने से स्टार्ट हो जाएगा, आप 2000 रुपये महीने की अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो आगे जाके आप बहुत उसमें पैसा पा सकते हैं। 10 साल तक अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया ना, उसमें महीने में 2000 रुपये देने लगे, तो जितना पैसा आपका इकट्ठा होगा ना 10 साल में, उसका 2 गुना 3 गुना बढ़ के आपको मिलेगा, और आप उस टाइम सोचोगे कि यार मैंने सही किया था। तो एक छोटी सी SIP हर महीने चलनी चाहिए आपकी, कहीं ना कहीं SIP एक चलाते रहो कुछ ना कुछ करके, तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, ये अच्छी चीज़ है। तो इन्वेस्टमेंट करें म्यूचुअल फंड में, आपको उसमें घाटा नहीं होगा, रिस्क फ्री है म्यूचुअल फंड बिल्कुल। आप एक ना एक SIP ज़रूर चलाएं, आप बैंक में पैसा मत रखो, लेकिन म्यूचुअल फंड में ज़रूर एक SIP चलाएं, आपको फ़ायदा होगा। मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं भी देखता हूँ भाई कि कितनी उसकी वैल्यू बढ़ती है और कैसे उसमें फ़ायदा होता है। लगभग मैंने पिछले साल एक इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसमें 2-3 हज़ार रुपये कटते थे महीने के, और अभी कुछ 2 साल में 80 हज़ार रुपये उसमें जुड़ चुके हैं ऐसा। और भाई 80 हज़ार रुपये के मैं आपको बताऊँ, 1,10,000 रुपये वैल्यू है, 80,000 इन्वेस्ट किया था और इतना फ़ायदा। तो फ़ायदा मिलता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो, आगे म्यूचुअल फंड बेस्ट है। दूसरा है शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट में यार थोड़ा रिस्क है, शेयर मार्केट आपकी नॉलेज नहीं है, तो आप शेयर मार्केट में जाएंगे तो हो सकता है आपको घाटा हो जाए, ऐसे शेयर खरीद लें जो शेयर एकदम से डाउन हो जाए तो उसमें घाटा हो सकता है। तो शेयर मार्केट में थोड़ा सा पहले सीखें, लर्न करें, बिज़नेस को समझें, कंपनियों के बारे में पढ़ें, रोज़ न्यूज़ देखें, उसके बाद आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, जिससे आपका आगे जाके ग्रोअप हो सकता है। शेयर मार्केट में भी
अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, लेकिन पहले उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर उसका ज्ञान नहीं है तो हम तो फंस जाएंगे यार, हमारा बिजनेस ढप हो जाएगा, हम कमा नहीं पाएंगे। तो ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना पहले समझ लेना, देख लेना, है ना। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं भाई, अभी जैसे एक्सिस बैंक है या फिर SBI के शेयर देख लो कितने रुपये में है, और हो सकता है उनके शेयर बढ़ जाएँ तो आप उसमें अभी इस टाइम पर पैसा लगा दोगे तो आप ग्रो कर जाओगे। तो भाई इस ये है, यस बैंक का एक ऐसा शेयर है अभी इस टाइम पे जो डाउन में चल रहा है, उसके शेयर अगर कोई ख़रीद ले तो वो बढ़ सकता है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे दो है लैंड, ज़मीन। अगर आपके पास पैसा पड़ा है तो आप ऐसी जगह पे ज़मीन खरीदें जो जिसके रेट बढ़ने वाले हैं, आप एक साल में उस ज़मीन के 1.5 गुना रेट तो मिल ही जाएगा आपको, इतना गारंटेड है। तो आपके पास अगर पैसा है तो लैंड पे इन्वेस्ट करो, खरीदो जगह, ऐसी चीज़ें, ज़मीन ऐसी चीज़ जिसके रेट गिरेंगे नहीं, जिसके रेट गिरने वाले नहीं हैं, ज़मीन के रेट बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे, आप उसमें 100% उसमें पैसा बढ़ेगा। तो ज़मीन ऐसी जगह पे, ज़मीन पे खरीदें, ज़मीन पे पैसा लगाएं अगर पैसा है तो, है ना। मैं भी कई जगह ऐसे खरीदते रहता हूँ, ज़मीन वगैरह मिल जाती है, प्लॉट्स तो ले लो, पैसा क्या है भाई, जब हमको ज़रूरत पड़ेगी पैसे की तो हम ज़मीन बेच देंगे, ले लेंगे नई ज़मीन, फिर से पैसा आ जाएगा ऐसा। तो ज़मीन पे इन्वेस्टमेंट करो। नेक्स्ट यहाँ पे है, आप योजनाओं पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर देखो आप अभी शादी की हो, आपकी बेटी हुई है, तो बहुत खुशी की बात है भाई, बेटी हुई है तो आप योजनाओं में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपनी बेटी का एक खाता खुलवा लीजिए, सुकन्या समृद्धि योजना, और उसमें आप पैसा डालना शुरू करो। 18 साल में आप जितना पैसा डालोगे ना, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में उसमें पैसा मिलता है। आप PF में भी उतना पैसा नहीं मिलता जितना सुकन्या में मिलता है। तो सुकन्या समृद्धि योजना आप खुलवा लीजिए अपनी बेटी का, अगर आपकी बेटी है तो वैसे ही खुल गया होगा, और उस पर पैसा डालना शुरू कीजिए, जितना है जो भी आपका एक्स्ट्रा बजट है उस पर डालते जाइए। एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई आप 1 करोड़ रुपए उसमें से निकाल सकते हैं, इतना पैसा उसमें जोड़ जाएगा, लेकिन वो आपको उसमें डालना पड़ेगा पैसा, और 18 साल के बाद ही मिलेगा, जब लड़की 18 साल की हो जाएगी और उसकी जब शादी होगी और इस एजुकेशन के लिए, फिर पैसा उसमें से निकाल सकते हैं, ऐसा है। वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो ऐसी चीज़ें करके आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद यार, तो यही चीज़ें भाई, फ़ायदा क्या है इन्वेस्टमेंट के, इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको तुरंत मनी मिल सकता है। अगर मान लीजिए कहीं इन्वेस्ट किया है और एक कभी आपको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ी तो आपके पास सेविंग्स नहीं है तो आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं अर्जेंट में, और इकट्ठा पैसा आपको मिल जाएगा। ये भी यहाँ पर होता है, आपका पैसा सेव होते जाता है एक जगह पे, वो खर्च नहीं होगा। मान लो आप कोई जैसे LIC वगैरह ले लेते हैं तो उसमें पैसा सेव होते जाता है, खर्च नहीं होता। ये चीज़ें, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखने वाली बातें हैं। तो थोड़ा समझो और इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो, आज से ही, अभी से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। ये मैं नहीं कहता भाई, बड़े बड़े इन्वेस्टर कहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट में घाटा क्या है भाई? घाटा कुछ नहीं है, घाटा यही है कि आपको जो पैसा है अभी तुरंत में यूज़ नहीं कर पाओगे, आपका पैसा सेव होते जाएगा, जमा होते जाएगा। चाहो कि भाई हमें अभी यूज़ करना है उस पैसे को तो नहीं कर पाओगे, वो जमा होते जाएगा, यही घाटा है बस, और कुछ घाटा नहीं है। और यही घाटा है और कोई घाटा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने से, रिस्क भी कोई नहीं है। जिन चीज़ों को मैंने बताया, समझो, करो और इन्वेस्टमेंट करो और कमाई करो। धन्यवाद। तो यहीं पे हम वीडियो को खत्म करते हैं, और ऐसे ही वीडियो हम लेके, और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। धन्यवाद।